दोस्तों मैशी रेसिपी में आज हम बनेंगे विंटर स्पेशल एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। वैसे तो इस रेसिपी में बहुत सारी स्पेशल बातें हैं और जो सबसे ज़्यादा स्पेशल इसे बनाती है वो है कि इसमें घी नहीं है, साथ ही इसमें चीनी भी नहीं डालेंगे और मेहनत तो आपकी बिल्कुल भी नहीं लगनी है, ना ही समय लगना है। पर ऐसा नहीं है, इन सब के चक्कर में हम टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप देखिए, देखने में बहुत बढ़िया है, टेस्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलना है। तो चलिए झटपट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन होता है ना उसे भी प्रेस कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। दोस्तों विंटर स्पेशल इस बहुत ही शानदार टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी तिल की। तिल सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और मैंने ये जो नॉर्मल वाइट तिल होती है ना, जो ग्रोसरी स्टोर पर आराम से मिल जाते हैं, उन्हीं तिल का इस्तेमाल किया है और ये इसी तरीके से सफ़ेद आते हैं। बस आपको एक काम ज़रूर करना होगा कि तिलों को एक बार अच्छे से छान लें। कई बार क्या होता है ना, इसमें छोटे छोटे वाइट कंकड़ होते हैं जो बाइट करते हुए अगर मुँह में आ जाते हैं तो बहुत ख़राब लगते हैं। और तिलों को अच्छे से साफ करने के बाद बारी है तिलों को भूनने की, क्योंकि आप तिल की कोई भी रेसिपी बनाएं तिलों को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। और तिल एकदम अच्छे से भून जाएंगे ना तो आपकी रेसिपी में चार चांद लग जाएंगे, उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो तिलों को भूनने का जो सही तरीका है, फ्लेम को रखें आप एकदम स्लो और लगातार चलाते हुए इस तरीके से आप भूनना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स तिलों में अपना ऑयल होता है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। और कई बार क्या होता है ना, जब हाई फ्लेम पर आप इन्हें सेक लेते हैं तो ये ऊपर से ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं और इनका टेस्ट कड़वा हो जाता है, जो किसी भी स्वीट रेसिपी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें, एकदम स्लो गैस पे लगातार चलाते हुए इस तरीके से भुने। हार्डली आपको 3 मिनट लगेंगे और 3 मिनट में तिल अच्छे से भुन जाएंगे। इंडिकेटर होता है कि थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, थोड़े से ऊपर को चटकने लगते हैं, बहुत अच्छी सी साउंड आने लगती है, इसका मतलब है तिल बढ़िया से भुन गए हैं। उसके बाद बारी है फ्रेंड्स गैस का फ्लेम ऑफ करने की और इसे करने की पूरी तरीके से ठंडा। और इसी गर्म कढ़ाई में हम डाल देंगे 100 ग्राम जितनी मूंगफली के दाने, रॉ मूंगफली है और वैसे तो इस समय मूंगफली आ रही है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूंगफली को भी हम अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली को आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, बस 3 मिनट में ही मूंगफली अच्छे से आपकी भूनकर तैयार हो जाएगी। और थोड़ी देर में आप देखेंगे मूंगफली का छिलका चटकने लगता है और उस समय आप इसे इस तरीके से रब करेंगे तो छिलका उतर जाएगा और आप चाहें तो मुंह में डालकर टेस्ट भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए मूंगफली भुनकर तैयार हुई। उसके बाद मैंने लिया है 50 ग्राम जितना डेसिकेटेड कोकोनट, 200 ग्राम तिल लिए थे, 100 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं और 50 ग्राम जितना लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि गोले का बुरादा। बस गर्म कढ़ाई में आप इसे घुमाएंगे भरना तो इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है और साथ ही इसकी सेल्फ लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये लीजिए तीनों चीज़ें अच्छे से भुनकर तैयार हैं और ये तीनों चीज़ें अच्छे से कूल डाउन हो चुकी हैं। अब बारी है फ्रेंड्स पीसने की, लेकिन पीसने से पहले ध्यान रखें कि अगर आपने इसे गर्म पीस दिया ना तो इसका पेस्ट बन जाएगा और इस रेसिपी के लिए हमें पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये लिया मिक्सी का जार जिसमें डाल दी हरी इलायची और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये भुनी हुई मूंगफली। आपको इस समय सिर्फ मूंगफली डालनी है और इसे पल्स मोड पर मैंने इस तरीके से भुरभुरा सा पीस कर तैयार कर लिया है। और अब डालेंगे हम इसमें तिल। फ्रेंड्स आपको दोनों चीज़ों को एक साथ डालकर नहीं पीसना है, अगर आपने दोनों को एक साथ डालकर चला दिया ना, मूंगफली हार्ड होती है और तिल जल्दी से पीस जाता है तो आपका पाउडर सा तैयार हो जाएगा और आपको पाउडर नहीं बनाना है। और उससे पहले मैंने थोड़ा सा साबुत तिल निकाल लिया है, साथ ही डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया और इन तीनों चीज़ों के एक साथ मैंने चर्न कर लिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया भुरभुरा सा पाउडर तैयार हो गया है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा बारीक करना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, देखिए एकदम बढ़िया सा फाइन सा पाउडर तैयार है। तो अब ये जो मैंने ले लिया है 250 ग्राम जितना गुड़, आप बस मेजरमेंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। गुड़ अच्छे से हमारा पिस जाए उसके लिए मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा यही वाला पाउडर। और ये देखिए दोनों चीज़ें हमारी ये भी बढ़िया से तैयार हो गई हैं। अब सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कसार खाना पसंद है ना तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपके लिए एकदम परफेक्ट कसार तैयार हो गया है। ये खाने में टेस्टी है और हेल्दी तो है ही, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ चमचम गजक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसे बनाने के लिए
हमें ज़रूरत होगी 200 ग्राम जितने मावे की, और मावे को हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेंगे जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप मावा नहीं डालना चाहते तो आप इसे मिल्क पाउडर से बना सकते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है और वो ख़राब नहीं होता है। 15-20 दिन उसे रखकर खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे मावे से ट्राई करने वाली हूँ। और मावे को 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया, और मैंने घर का बना हुआ मावा लिया है तो इसमें घी की जो क्वांटिटी है काफ़ी सारी है। तो बस अब ये जो हमारा फाइनली इस तरीके से दरदरा सा जो पाउडर था ये भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपको इसमें घी, चिकनाई, तेल कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही डाल के आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। हो सकता है इस समय आपको लग रहा हो कि मिक्स होने में प्रॉब्लम करेगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि मैंने इसमें गुड़ डाला था। जब इसे गर्म करेंगे तो गुड़ की थोड़ी सी चाशनी जैसी बन जाएगी और उसकी वजह से ये बढ़िया सा मिक्स हो जाएगा। तो इसे बस आप गर्म कढ़ाई में इसी तरीके से मिक्स करते रहें, फ्लेम को स्लो रखें, क्योंकि इसमें एक तो ड्राई फ्रूट्स हैं और दूसरी हमने इसमें गुड़ डाला है। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पे बनाया तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। और ये देखिए सब चीज़ें एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं, डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद आपको इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर दीजिए गैस का फ्लेम ऑफ और इसे कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा। देखिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। इधर मैंने एक प्लेट में अच्छे से देसी घी लगा लिया है, क्योंकि अब आइए इसे अच्छे से सेट करने के। और आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया सेट होगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, लुक बहुत ही बढ़िया है। बस इस तरीके से स्पैचुला से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं और अच्छे से सेट कर लें। थिकनेस फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये जो चमचम गजक होती है ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, थोड़ी सी मोटी सी होती है। और वैसे तो ये खाने में अब भी बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन हमने जो वो थोड़े से तेल रोके थे ना वो तेल डाल देंगे, इससे इसमें क्रंच बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा। साथ ही हम इसमें लगाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें मैंने लिए हैं कुछ पिस्ते, जिसे इस तरीके से छोटे छोटे सा कट कर लिया है। उसके साथ ही कुछ काजू डाल देंगे, और इस जगह आपको ड्राई फ्रूट डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि ये खाने में वैसे ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी भी है। और अब आ रही है फ्रेंड्स इसे सेट करने के लिए छोड़ने की। आप 2-3 घंटे के लिए इसे काउंटर टॉप पर छोड़ दें, इसे फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए। और 2-3 घंटे बाद आप देखेंगे कि हमारी ये चमचम गजक एकदम बढ़िया सी सेट हो जाएगी। तो 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद में ये देखिए जो चमचम गजक थी ना एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है। अब आइए इसके पीस कट करने की, और पीस कट करने के लिए आपको किस कटर ले सकते हैं या इस तरीके से नाइफ के साथ इसे कट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एकदम गोल गोल इसे कट करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने इस तरीके से एक कटोरी ले लिया है, और आप चाहें तो इस तरीके से कोई आपके पास प्लास्टिक की डिब्बी वगैरह हो उससे इसे कट कर सकते हैं और इस तरीके से इसके राउंड राउंड पीस निकाल लें। ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं और खाने में तो वही टेस्ट आना है जो आपको चकोर में आना है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी चमचम गजक बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए एक एक करके पीस निकाल लेते हैं, और ये जो बचे हुए पीस हमारे इसमें से थोड़े से बच जाएंगे उसे भी आप कुकीज़ कटर में या इसी प्लास्टिक के कंटेनर में अच्छे से सेट करके बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी, एकदम आसान तरीके से बनी हुई टेस्टी और हेल्दी हमारी चमचम गजक तैयार हो गई है। इसे आप 8-10 दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं, क्योंकि विंटर का सीजन है। अगर फ्रीज में रखेंगे तो 15-20 दिन तक भी खराब नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी है ना, तो ये कड़क होती है और ना ये चिपचिपी होती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।